हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स बाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, काफ़ी सारे ड्राइवर भाई रोज़ पूछते हैं कि ये ई ऑटो का लक्की ड्रॉ कब होगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर ये मेरे हाथ में होता, मेरे बस में होता, तो कभी का ये मैं करा चुका होता, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है और ना ही मेरे बस में है। तो दोस्तों, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार कब ये लक्की ड्रॉ कराती है। वैसे जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार ये लक्की ड्रॉ नवंबर के महीने में होना ही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये नवंबर के महीने में 100% हो जाना चाहिए, ऐसी जानकारी मुझे मिली थी। आगे कोई जानकारी मिलेगी तो मैं इस पर आपको ज़रूर तुरंत जानकारी दूंगा। अभी कोई मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि लक्की ड्रॉ कब होगा, किस डेट को होगा। अभी इसकी कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि ये नवंबर के लास्ट तक हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं कि ई ऑटो पे नई अपडेट क्या आई है। तो दोस्तों, ई ऑटो पे नई जो अपडेट आई है उसकी जानकारी ये है कि अब जो है ई ऑटो के रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई है, वो भी सिर्फ महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जो है टोटल जो फार्म भरे गए हैं वो हैं 19,885 टोटल फार्म भरे गए हैं, जिसमें 19,187 फार्म जो हैं वो पुरुषों ने भरे हैं और महिलाओं ने जो भरे हैं फार्म वो 698 फार्म भरे हैं। तो दोस्तों, जो इनके 33% कोटा था महिलाओं का, उससे काफ़ी मात्रा में इन्होंने कम भरे हैं। इसका कम भरने का कारण क्या है दोस्तों? एक तो पहले से उन्हें जानकारी नहीं थी, और जानकारी उनको जब मिली है तो लाइसेंस बनाने में उनको समय लग रहा है, और लाइसेंस भी इतनी जल्दी नहीं बन जाता है दोस्तों। LMB लाइसेंस बनाने के लिए अब जो है ऑटोमेटिक ट्रैक पे आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें अच्छे अच्छे ड्राइवर फेल हो जाते हैं। तो महिलाएं जो हैं अभी नई नई, अगर उन्होंने ड्राइविंग सीखी भी होगी और सीखने के बाद अगर वो ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाएंगी तो वहाँ पे कई महिलाएं तो फेल हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, लाइसेंस इतनी जल्दी नहीं बन जाता है, और लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया भी 1 महीने की होती है। 1 महीने पहले आपका लर्निंग बनेगा, उसके बाद आप परमानेंट लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी कारण महिलाओं ने अभी तक अपनी पूरे कोटे के जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करे हैं, और अभी सिर्फ 698 ही करे हैं, जबकि उनके 1400 से ऊपर थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब जो सरकार ने इनका जो ई रजिस्ट्रेशन का डेट जो बढ़ाई है महिलाओं के लिए, वो अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई है, उसकी कोई समय सीमा या डेट फिक्स नहीं करी है। अब सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जब तक महिलाएं अपने कोटे के पूरे रजिस्ट्रेशन नहीं कर देती, तब तक उनके लिए ये ऑप्शन खुला रहेगा। तो दोस्तों, पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि महिलाएं अपने कोटे का जो है रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाएंगी, तो जो बचे हुए ऑटो हैं वो पुरुष ड्राइवरों को आवंटित कर दिए जाएंगे, ऐसा सरकार का भी पहले मानना था। लेकिन सरकार ने अब जो है अपना मूड थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और उन्होंने अब ये फैसला लिया है कि जब तक महिलाएं पूरा अपना कोटा नहीं भर देती हैं, तब तक उनके लिए ऑप्शन खुला रहेगा। तो महिलाओं के लिए ये खुशखबरी है, अभी तक जिन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाया है तो लाइसेंस बनवा लें, गाड़ी चलानी नहीं आती है तो गाड़ी सीख लें, उनके पास अभी बहुत सारा समय है, गाड़ी सीख के और लाइसेंस बनवा सकती हैं, और लाइसेंस बनवाने के बाद इस ई ऑटो का रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, और रजिस्ट्रेशन करके आप ई ऑटो को ज़रूर ले सकती हैं। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी ज़्यादा ये खुशखबरी है, अगर जिस महिला ने भी इस ई ऑटो रजिस्ट्रेशन में अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उसको 100% मिलना ही मिलना है। बाकी रही पुरुषों की बात, तो 19,885 टोटल फार्म भरे गए हैं, जो पुरुषों ने महिलाओं ने दोनों ने मिला के किए हैं, लेकिन पुरुषों की बात करें तो पुरुषों ने टोटल 19,187 फार्म भरे हैं। तो अब दोस्तों, 19,187 फार्म भरे गए हैं, तो टोटल जो पुरुषों के लिए हैं वो करीब 2800 के आसपास हैं। अब आप समझ जाइए, 2800 में से 19,000 जो फार्म भरे गए हैं, 19,187 पुरुषों ने भरे हैं, उनमें से सिर्फ 2800 कुछ लोगों को ही ये ई ऑटो मिलेगा, बाकी के जो हैं भाइयों को निराश ही होना पड़ेगा। तो ये थी ई ऑटो के ऊपर आई नई अपडेट, आगे भी कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए दोस्तों, मेरी इस पे पूरी नज़र बनी हुई है। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।